हाँ जी दोस्तों, आज बताएंगे आपको कि क्या कहा चित्रा सरवारा ने अनिल विज के बारे में। जी हाँ, हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के बारे में। आओ सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं वो इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन के खुल रहे थर्ड फेज के बारे में। अनिल विज के ऊपर क्या है उनका एलिगेशन। नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से आज आप सबको संबोधित करना चाहती हूँ। आज 5 मई को लॉकडाउन 3 जो है देश में, पूरे देश में लागू हो चुका है और हरियाणा में भी। और बहुत सी चीजें आज लॉकडाउन के पहले दिन ही हो गई और उनमें से था कि कल अंबाला कैंट में 25 से भी ज्यादा कोरोना के कुछ पॉजिटिव केसेस निकल के यहाँ पे आए हैं, जिसे मीडिया में कहा जा रहा है कि कोरोना का विस्फोट अंबाला में हुआ। और बहुत दुख की बात है कि तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत पर जब हम रियायतें दे रहे हैं, जब हमने थोड़ी ढील दी, जब हम सोसाइटी को, समाज को, बाजार को, व्यवसाय को, व्यापार को हम खोल रहे हैं, उस वक्त ये विस्फोट यहाँ पर होता है और इसने बहुत से सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। लेकिन सवालों से पहले है कुछ बातें जो एकदम जिम्मेवार लोगों ने, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी इस कोरोना से, इस महामारी से, इस मुश्किल समय से लड़ने की, उन्होंने जो कुछ बातें कह डाली हैं इस पॉइंट पे, आज मैं आपसे उन पे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने कल ही जो है एक इंटरव्यू के अंदर बड़े आराम से कह दिया कि मुझे डर लग रहा है। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया आपको क्यों डर लग रहा है, उन्होंने कहा मुझे डर इसलिए लग रहा है, लोगों के लिए डर लग रहा है। किस लिए डर लग रहा है, उन्होंने कहा ये जो ढील दे दी गई है, जो बाजार खोले जा रहे हैं, इससे मुझे डर लग रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आपसे आपका इस फैसले में कोई सांझ नहीं थी, आपसे पूछा नहीं गया, तो उन्होंने बार बार बस एक ही बात कही, अगर मुझे पूछते सरकार और चीफ मिनिस्टर तो मैं शायद कुछ और कहता, मुझे डर लग रहा है। अगर मुझे पूछते तो मैं कुछ और कहता, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, जब मुझे मौका लगेगा तब मैं चीफ मिनिस्टर को अपने ख्यालों से अवगत कराऊंगा। और मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हरियाणा प्रदेश की जो लड़ाई है कोरोना से, उसके खिलाफ लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी आज फिर वही उभर कर आई है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री के बीच जो मतभेद है, जो मनभेद है, जो संवाद की कमी है, आज कहीं उसकी आहुति पूरा हरियाणा तो नहीं चढ़ने वाला। ये कमाल की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री के अपने प्रदेश में सब जानते थे लॉकडाउन का खुला उल्लंघन हो रहा था, सब जानते हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है सिविल अस्पताल, जिसकी जड़ के अंदर ये 25 के 25 केस अब निकले हैं। मैं कुछ सवाल आज मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, प्रदेश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इन केसेस के विस्फोट होने से पहले उनका कह देना मुझे डर लग रहा है, क्या अपने आप का उन्होंने बड़ा नरमी से कहीं अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करी है? क्या अपने आप को एक सर्टिफिकेट देने की कोशिश करी है कि जब सवाल उठेंगे तब मैं कह सकूंगा कि मैं इसके साथ नहीं था? मंत्री जी हमारे प्रदेश के सबसे ऊंचे और ताकतवर पद पर बैठे हैं। अगर 3 पावर सेंटर हैं हरियाणा के, जिसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, तो उसके बाद गृह मंत्री आते हैं, क्या उनका कहना कि मुझसे पूछा ही नहीं गया सच है? और मैं कहती हूं अगर उनसे पूछा ही नहीं जा रहा गृह मंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से, तो क्या उनका उनके पद पे बने रहने का अब कोई नैतिक औचित्य रहता है? और नहीं रहता, और उसके बाद भी वो बैठे हैं और सिर्फ इस जो है पूरे इसको जलता हुआ देख रहे हैं और आराम से कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है, तो मैं कहती हूँ क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि अगर उनको उनकी जिम्मेवारी निभाने नहीं दिया जा रहा, क्या उन्हें इससे इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? वो बैठकर क्या देख रहे हैं, वो अपने हाथ खड़े कर क्या कर रहे हैं, वो ये कहकर कि जब मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा मैं उन्हें अपने ख्यालों से अवगत कराऊंगा, वो क्या कह रहे हैं? कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और जब पहला लॉकडाउन हुआ था हमारे मरीज कम थे, हमारी बैंकों में हर घर में राशन और पैसा इससे ज्यादा था, हमारी नौकरियां सुरक्षित थी, हमारी अर्थव्यवस्था इससे ऊपर थी। आज लोग कोरोना 3 के अंदर हर चीज में हम नीचे आ चुके हैं, कोरोना के केस बढ़ चुके हैं और ऐसे में ये जो इनका गृह युद्ध अंदर ही अंदर एक चल रहा है, जो इनका द्वंद्व चल रहा है, जो शीत युद्ध चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री में चल रहा है, इसके चलते सिर्फ ये कह देना कि जो जिम्मेवार लोग थे आज वो अपने हाथ खड़े कर दे, तो हरियाणा की जनता किसकी तरफ देखेगी? उन्हें तो घर बैठने को बोल दिया गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा अगर गृह मंत्री कहेंगे मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा? क्या अभी भी कोई समय बाकी रह गया है? आज
वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, वॉर फुटिंग पे टेस्टिंग होनी चाहिए, वॉर फुटिंग पे यहाँ पे फाइनेंशियल पैकेजेस देने चाहिए। हर चीज के लिए सरकार आशा कर रही है कि लोग करेंगे। दान में राशन देना है, लोग दे देंगे। खाना देना है, लोग दे देंगे। दान देना है, सीएम के अंदर रिलीफ फंड देना है, पीएम के लिए रिलीफ फंड देना है, लोग दे देंगे। सरकार क्या करेगी और कब करेगी? मंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में हाथ खड़े हुए कह दिया, मेरी कोई सुनता नहीं। जो देश के, प्रदेश के, हमारे जो सबसे ऊंचे ऑफिस को बिलोंग करते हैं, और लोगों से कह दिया ये लोगों की लड़ाई है, अब लोग अपने स्तर पर एक सामाजिक दूरी बनाकर इसे चला ले। मैं कहना चाहूंगी मंत्री जी से और चीफ मिनिस्टर जी से, सामाजिक दूरी हम बना लेंगे, आप जो आपस में ये राजनीतिक दूरी बनाए हुए हैं कृपया इसे मिटाइए। कृपया करके इकट्ठे होइए, एक टेबल पे बैठिए, लोगों के लिए एक कोई तगड़ा सा सॉलिड सा प्लान बनाइए और उसे एक एक जो है व्यवस्थित रूप से, एक प्लान्ड रूप से उसे जमीन पे उतारिए। आज हम आपकी वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं समझती हूं जो गृह मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी कोई सुन नहीं रहा, उन्हें नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए या फिर लड़ाई लड़नी चाहिए। खुद को वो गब्बर कहते आए हैं तो एक सवाल आकस्मिक दिमाग में आता है, और इसमें कोई व्यंग नहीं है कि क्या गब्बर डर गया? छोटी छोटी बातों पर जब एक कोई इनसे पोर्टफोलियो ले लिया जाता था तो एड़ी चोटी की लड़ाई करने वाले हमारे मंत्री जी आज लोगों की जाने जा रही हैं। अगर वो ये लड़ाई हार जाएंगे, क्या वो लड़ाई लड़ ही नहीं रहे? इस पे लड़ाई पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरी कोई सुन नहीं रहा। मैं जगाना चाहूंगी हमारे मंत्री जी को, मैं जगाना चाहूंगी हमारे प्रदेश की सरकार को, मैं जगाना चाहूंगी हमारी जनता को। प्लीज, हम सबको इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ना है। आज कोई राजनीति का समय नहीं है, आज कोई आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का समय नहीं है, आज इकट्ठे होकर काम करने का है। और इसकी सबसे पहली मिसाल हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे गृहमंत्री को देनी चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहा है कोई भी अपना काम तो उन्हें अपने दफ्तर से, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उस आदमी को आगे आने देना चाहिए जो ये काम निभा सके। तो मैं आशा करती हूं आज सब इस बात से सहमत होंगे, सुनेंगे और मेरे साथ मिलकर, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर, चौधरी निर्मल सिंह जी के साथ मिलकर ये आवाज आप सब आगे उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।